हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कॉल आती रहती है और आना जाना लगा रहता है। आज फिर से हमारे पास में एक गांव से जो है कॉल पहुंची है स्नेक रेस्क्यू के लिए। तो अभी हम फिलहाल उस गांव में आ गए हैं। तो जिन भैया ने हमें कॉल की थी वो हमारे साथ में, अपना नाम बता दें जरा। और नाम गजेंद्र, गजेंद्र जी हमारे साथ में हैं। और कौन सा गाँव है ये? भैंसा। ये भैंसा है और थाना कौन सा पड़ता है? थाना सेवला कला। तो दोस्तों, इन्होंने जो है सांप देखा है, तो हमें बताएंगे आप कहाँ पर है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और निकाल करके आपको दिखाते हैं कि स्नेक कौन सा है, और उसको निकाल करके आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देंगे। तो जी कहाँ पर देखा? सीढ़ी वगैरह है कोई? हाँ, सीढ़ी इधर लगाओ जरा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सांप काफ़ी ऊपर जो है चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये एक टांड है और यहाँ पर काफ़ी सारे उपले भरे हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कौन सा स्नेक है और निकाल करके उसको आपको दिखाएंगे और उसके बारे में थोड़ी आपको नॉलेज देंगे। इधर लगाओ, इधर वाली, इधर 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 बस। तो दोस्तों, जैसा कि लोग यहाँ पर बता रहे थे कि सांप है, लेकिन ये सांप नहीं है। ये एक, जिसको हम बटरा गोए बिस्कवरा बोल देते हैं। तो दोस्तों, काफी बिग साइज का ये है और अभी हम इसको निकालेंगे और निकाल के तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक बिस्कोबड़ा भी इसको हम बोल देते हैं और इसको ये पटरा गोए बोलते हैं, चंदन गोए बोल देते हैं, अलग अलग नामों से लोग इसको जानते हैं दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा डर इसके बारे में लोगों के पेट में बैठा रहता है, लेकिन ये बिल्कुल एक नॉन वेनमस जीव होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ठंड का समय है और ठंड के समय में काफ़ी ज़्यादा ये जो है परेशान रहते हैं। तो दोस्तों अभी जो है हम इसको पैक करेंगे। भैया कोई कट्टा वगैरह दे दो अभी हमारे पास में। तो दोस्तों, इसकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन लोगों के मन में इसके जो है प्रति काफी ज्यादा जो है भय फैला हुआ है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये बिल्कुल एक नॉन वेनमस जो है जीव है, लेकिन इसके काटने से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों के मन में जो है ये बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है, इसलिए लोग अक्सर देखते ही इसको मार डालते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको बचाएं, इन बेजुबानों का, जीवों का बचे रहना हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसकी जो पकड़ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अभी ठंड का समय है, तो ठंड के समय में ये अभी जो है एक्टिव नहीं है। तो फिलहाल हम इसको अभी पैक करते हैं दोस्तों, और उसके बाद इसको ले जाकर के इसे विस्तार पर हम रिलीज़ करेंगे दोस्तों।